गौरव में, और अभी जो मैच कवर करने जा रहा हूँ दोस्तों पर एली की जो है फुटबॉल मैच को कवर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर एमएलसी बसेस एसवाईडी के बीच मैच वाली है। सो इस वीडियो को आप शुरू से तक जरूर से जरूर देखना है, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ऐसे प्लेयर्स बताएंगे जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम रहेगा, 15 से 10% रहेगा, और कहीं जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गेम चेंजर पिक साबित हो सकते हैं आज के इस मैच में, तो ध्यान से देखना है और शुरू से तक जरूर से जरूर देखना है। तो सिंपली दोस्तों आते हैं यहाँ पर जो है मैच सेक्शन में, एंड उसके बाद आपको हम टीम बात दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात किया यहाँ पर दोनों टीम्स की, अगर बात की जाए रीसेंट फॉर्म की बात किया, इनके जो है मैचेज जो हुए हैं लास्ट 5 मैचेज यहाँ पर इनके हुए हैं उसकी बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं बात करूँ एमएलसी की, मैं बात करूँ तो देखो ये जो है 5 मैचेज में से 2 मैचेज विन किए, 2 मैचेज हारे और 1 मैच इनका रो रहा है लास्ट 5 गेम्स के मैचेज में। वही अगर बात किया दोस्तों यहाँ पर एसवाईडी की, मैं बात करूँ तो देखो कुल टोटल जो है दोस्तों 5 मैचेज इन्होंने भी खेले हैं, एंड इनकी बात किया तो ये 5 के 5 मैचेज यहाँ पर विन किए अपने लास्ट 5 गेम्स में जो है विन करके आ रहे, तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को फॉर्म नजर आता है यहां पर एसवाईडी का। ये देखो सिंपल सा बात बोलूं दोस्तों, यहां पर जो चांसेस है आज के इस मैच में जो है दोनों तरफ से गोल होने के हैं, तो मैं इसका जो क्लेरिफिकेशन मैं आगे बताता हूं क्या आपको करना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड की, ये रिसेंट फॉर्म की बात हो गई, या बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड की। देखो हेड टू हेड में कुल टोटल 35 मैचेस खेले गए दोस्तों दोनों टीम्स के साथ में, जिसमें से 10 मैचेस विन किया यहाँ पर एमएलसी की टीम ने, 10 मैचेस ड्रॉ हुए और 15 मैच विन किया यहाँ पर जो है दोस्तों एसवाईडी की टीम ने 35 मैचेज में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों हेड टू हेड का स्टेट्स निकल के आ जाता है। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है हेड टू हेड का भी बता दो, क्योंकि देखो इससे थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाता है कि हाँ कौन सी टीम जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो ऑब्वियसली गाइस जो टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर एसवाईडी की टीम थोड़ी सी आपको मजबूत होती दिखेगी, बाकी यहां पर जो है चांसेस बोलूं तो यहां पर दोनों तरफ से यहां पर जो सेम ही दिखेगा, गोल होने के चांसेस दोनों तरफ से। चलिए बात करते हैं यहां पर दोस्तों लाइनअप की बात कर लेते हैं। तो देखो लाइनअप की बात करूं तो दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है लाइनअप दोनों टीम्स का, यहां पर जो है देख सकते हो कही जाए तो लगभग कही जाए तो 70 से 80% कंफर्म रहेगा, बाकी 2 से 3 प्लेयर आप चेंजेस होते हुए देख सकते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लगभग जैसे कि मैंने बोल दिया 70 से 80% कंफर्म रहने वाला। देखो काफी सारे लोग के रिक्वेस्ट आते हैं कि प्रधान हमें लाइनअप पहले से पता हो, तो सही लाइनअप अगर पता हो तो हमारी टीम खुद से भी ग्रेड कर सकते हो थोड़े बहुत रिसर्चेस करके, तो आप देखो इसका इस्तेमाल कर लेना आप आराम से, आपको जो है एकदम कही जाए तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है ट्राई कर लीजिएगा इसका। अब चलिए बात करें दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, काफी सारे लोग का फेवरेट सेक्शन रहता है। जी हाँ दोस्तों बात करें यहाँ पर हम जो है की प्लेयर्स की, की प्लेयर्स की बात किया तो देखो एसवाईडी की तरफ से मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर जो है देखो दोनों टीम्स की तरफ से मैं आपको 3-3 प्लेयर्स ऐसे बताऊंगा जो कही जाए तो आपके लिए स्मॉली के लिए कैप्टन वाइज कैप्टन चॉइस रहेंगे, साथ ही साथ ग्रैंड लीग में भी आराम से कैप्टन वाइज कैप्टन चॉइस बना सकते हो, और वही प्लेयर को आप मिनीजर में भी कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर सकते हो। चलिए एसवाईडी की प्लेयर्स की बात करते, तो आप बोबो रहेगा, फिर से आपको जो है जो है ली फाउंडर रहेगा, फिर से जो है जो है बबरस रहेगा जो कही जाए तो ये 3 प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों एसवाईडी की तरफ से। देखो ये सेफेस्ट है, ज्यादा रिस्की है, सेफेस्ट है स्मॉली के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, साथ ही साथ ग्रैंडी गोमी जब आप आंख मत के इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो ये होगा एसवाईडी की, और भी प्लेयर्स मैं बताऊंगा, मैं आपको टीम बनाते समय बताऊंगा और भी प्लेयर्स जो थोड़े रिस्की रहेंगे लेकिन कामगर रहेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एमएलसी की, देखो एमएलसी में बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर जो है कोलावेस्की रहेगा, फिर से यहाँ पर जो है एटकिसन रहेगा, फिर से यहाँ पर लूना रहेगा, ये थोड़े रिस्की प्लेयर्स है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अपनी टीम के लिए, कही जाए तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेंगे ग्रैंड लीग और मिनी जेल के, साथ ही साथ स्मॉलिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस या तो कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। कैप्टन थोड़ा रिस्की हो जाएगा लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये तीनों प्लेयर्स में से किसी को आप आराम से जो है स्मॉली की टीम में एज अ वाइस लेके जा सकते हो। ये 3 चॉइस बहुत ही अच्छे हैं स्मॉली के लिए, आप आराम से ट्राई कर लीजिएगा। तो कहने का ये है दोस्तों कि ये 6 प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आज के इस मैच में, जिनको आपको ट्राई कर लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के टीम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्स है, बेहतरीन पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं, आराम से यूज़ कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर टेलीग्राम प्रीव्यू की, एंड उसके बाद आपको हम टीम दिखाएंगे। तो सिंपली दोस्तों आ चुके यहाँ पर जो है टेलीग्राम प्रीव्यू में, एंड बात किया दोस्तों तो ये मेरा रीसेंट मैच अभी फिलहाल जो मॉर्निंग में हो तो मैंने दे दिया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहीं पे आपको फाइनल टीम और कन्फर्म लाइनअप देखने को मिलेगा, तो आपको यहीं पे जो है ज्वाइन कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान के चलो आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन करते हो फैंटेसी पॉइंट आप सर्च करते हो, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है फैंटेसी पॉइंट आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर फेक चैनल भी देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो क्या करना है, जो फर्स्ट पे चैनल रहेगा वो मेरा चैनल बिल्कुल नहीं दोस्तों, मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे उसके चैनल पर, लेकिन बिल्कुल ही कंप्यूटराइज और फेक चैनल से यहाँ पर गए ध्यान रखना है। जो रियल चैनल हमारा है आपको सेकंड पे दिख जाएगा, जिस पे आपको 10,300 सब्सक्राइबर्स आपको दिख सकते हैं, नीचे आपको सेकंड पे जो है दिख जाएगा अगर आप सर्च करोगे फैंटेसी पॉइंट, तो वही को ज्वाइन कर लेना है। यहीं पे आपको जो फाइनल टीम और कंफर्म लेना देखने को मिलेगा हमारे तरफ से। जी हां दोस्तों आपको रियल चैनल पे ही ज्वाइन करना है। तो ये होगी दोस्तों टेलीग्राम प्रीव्यू की बात, आप सिंपली बात करते हैं यहां पर हम टीम की।
तो देखो सिंपली आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर हम ड्रीम इलेवन में, एंड सिंपली आते हैं यहाँ पर जीके सेक्शन में। देखो जीके सेक्शन में दोस्तों क्या करना है आपको, इसको पिक कर लेना आराम से, इसको पिक कर लो। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है डिफेंडर सेक्शन की, देखो डिफेंडर सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेक्शन देख लो काफी 21% यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के इस मैच के लिए। ये दो प्लेयर्स आप पिक कर लो, टॉप पर दिख जाएगा आपको। चाहो तो जो है ग्रैंड को भी आप पिक कर सकते हो, गोल्ड को भी पिक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। और देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो देखो इस वाले मैच में जो डिफेंडर्स है काफी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है, एंड साथ ही साथ ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनको आप क्या कर सकते हो ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो दो से तीन टीम्स में। जैसे कि यहाँ पर जो है गुड हो गया, फिर से आप ग्रैंड हो गया, फिर से आप किंग हो गया, ये भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। यहाँ पर जो है फिर से जो है जेमिसन हो गया, ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको आप जो है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो दो से टीम, दो या तीन टीम्स में यहाँ पर ग्रैंड लीग के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों को पिक कर लेना है, और बाकी आपको ऊपर जो है दो दिख जाएंगे, ये दोनों को पिक करना। ठीक है, डिफेंडर सेक्शन से, डिफेंडर सेक्शन से आपको चार प्लेयर्स आपको पिक कर लेना है। अब आते हैं पर मिडफील्डर सेक्शन में। देखो मिडफील्डर सेक्शन में टॉप पे ये दो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट पिक है, मैंने इनके बारे में बता ही दिया है। अब देखो यहां पर मैं जो है देखो आपको जो है अटकेसन को मैंने पिक किया है, अगर आप सेफ जाना चाहो तो क्या कर सकते हो जो है मेडिकल को भी आप पिक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से जा सकते हो। बाकी यहां पर देखो बात कर लूं मैं की प्लेयर्स की, तो ग्रैंडी के लिए भी अच्छा रहेगा जिसको आप जो है एज अ प्लेयर रख के ट्राई कर सकते हो, इसका खेलने का थोड़ा चांस कम है, अगर खेलता है तो आप ग्रैंडी की टीम में रख सकते हो। बाकी यहां पर जो है इसको आप लेना चाहो ले सकते हो, मैंने फिलहाल इग्नोर किया। स्मॉल लीग में भी आप इसको रख के चाहो तो एज अ वाइस भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने इग्नोर किया, आप अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। और भी प्लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो मैच है प्लेयर से भरा हुआ है, यहाँ पर आपको प्लेयर्स की कमी नहीं देखेंगे ऐसे मैचेस में। तो जहाँ प्लेयर ज़्यादा ऑप्शंस हो वहाँ आप समझ जाओ कि ग्रैंडी के लिए बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, ये बात आप समझ जाओ। जहाँ प्लेयर्स के ज़्यादा ऑप्शन हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़्यादा ऑप्शन हो, वहाँ ग्रैंडी के लिए मैच बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने की जो है चांसेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये रहेगा फिर से कि ये रहेगा ऑप्शन, ट्राई कर लीजिएगा। बाकी नीचे कुछ खास ऑप्शन है नहीं, आप देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर ये रहेगा तो देखो खेलने का चांस कम है, जैसे कि यहाँ पर एक ये भी रहेगा इसका भी खेलने का चांस है, तो देखो उन सब का बताना कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर आप जो फिर से मार्क कर दूँ, यहाँ पर एक ये रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है ऊपर आओगे तो यहाँ पर एक ये रहेगा, ये रहेगा, अगर खेलता है तो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी ये सब ऑप्शन रहेंगे, बाकी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है ये तीन प्लेस आप पिक कर लो यहाँ पर जो है मिडफील्डर सेक्शन से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एसटी सेक्शन में। देखो एसटी सेक्शन में बात किया तो देखो इसका भी खेलने के चांसेस कम है, खेलता ट्राई कर लीजिएगा, लाइनअप तो आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों ये जो है तीन प्लेस आप पिक कर लो यहाँ पर जो है फॉरवर्ड सेक्शन से। बाकी देखो ऑप्शंस आपके पास और सारे अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर देखो पीवुड अगर खेलता है जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, एज अ प्लेयर रखना है, कैप्टन वाइज कैप्टन मत ट्राई करना। जो देखो टिलियो की मैं बात करूँ, सीनून की मैं बात करूँ, ये सब प्लेयर्स है दोस्तों जिनको आप ग्रैंडली में क्या कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मात्र 4% की सिलेक्शन है, जी हाँ दोस्तों मात्र 4% की सिलेक्शन है, एंड ग्रैंडली के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस रहेगा जिसको आप क्या कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइज कैप्टन ले जा सकते हो। तो ये तीन प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर एमएलसी की तरफ से, ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चॉइस आपके लिए बनने वाली है, सब ट्राई कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाएंगे। तो देखो जो भी प्लेयर्स मैंने बताया आपको ट्राई कर लेना है, सिंपली यहाँ पर ये फिलहाल के लिए ये तीन प्लेयर्स आप पिक कर लो, जो की प्लेयर्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं मैंने बार बार करके आपको बताई दिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपली आते हैं यहाँ पर टीम प्रीव्यू में। तो देखो टीम प्रीव्यू की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारी टीम रहने वाली है आज के इस मैच के लिए। बाकी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन ने यहाँ पर ये दोनों को बना रखा है, देखो सेफ जाना चाहो आप इसको बना सकते हो, लेकिन देखो फिलहाल के जो मेरा पर्सनल फेवरेट चॉइस है यहाँ पर मैंने इसको ट्राई कर रखा है, तो आप इसको जो आप इसके साथ भी जा सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, बाकी आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, एज अ वाइस लेके आप जा सकते हो। ये सेफेस्ट है दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, स्मॉली के लिए अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। बाकी जो फिलहाल मेरे जो रहने वाले मैंने इनको बना रखा है, और देखो ऑप्शंस तो मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे दे दिए, तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बाकी आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज आने लिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।